आज मैं सुभाष शर्मा 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कवि लसखान द्वारा रचित सभी लेसन लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, जब आपको काव्य की कुछ पंक्तियाँ लिखने के लिए पेपर में आती हैं, उनकी व्याख्या पूछी जाती है, तो सर्वप्रथम आपको संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद प्रसंग, और प्रसंग के बाद आपको व्याख्या करनी होती है। बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धानन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस समय में बच्चों, कवि लसखान ने अपने हर योनि में जब उनको जन्म मिले तो वे अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की समीपता को ही चाहते हैं। वो किसी भी हालत में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जन्म हो तो मैं हमेशा श्री कृष्ण के सानिध्य में रहूं। सबसे पहले बच्चों, इनमें कुछ शब्दों की मीनिंग भी आप देख लीजिए। मानुष का अर्थ है मनुष्योनि, मनुष्योनि की बात की है, और पशु यानी पशु की योनियों में अगर जन्म मिलता है तो, मझारन का अर्थ होता है धेनु मीन्स गाय, मझारन का अर्थ है बीच में, पाहन पाहन का अर्थ है बच्चों पत्थर, गिरी गिरी का अर्थ है पर्वत, छत्र मीन्स छाते के समान, छतरी के समान, पुरंदर इंद्रदेव को कहा गया है। अब आप अर्थ देखिएगा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही निवास करना चाहता हूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धेनु मझार। अब कवि रसखान की इच्छा है कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में होता है तो कवि कहता है तो वहां मेरा कोई बस नहीं है, कहा बस मेरो, उसमें मेरा कोई बस नहीं है। कर्मों के अनुसार यदि मेरा जन्म पशु योनि में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरा करूं, जिससे क्या होगा, मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अब कवि कहता है कि यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपने हाथों पर उठा दिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। बच्चों, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी, कूल मीन्स किनारा। अब कवि कहता है यदि मेरा जन्म पक्षी के योनि में हो, खग खग मीन्स पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डालों पर निवास करना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य यह बच्चों, इन चारों लाइनों में कवि की इच्छा है कि मैं किसी भी जन्म में जन्म लूं, किसी भी योनि में जन्म लूं तो मुझे श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कौन है, लसखान कवि के आराध्य देव है। बच्चों, अब दूसरा सभी हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आज गई हुती भो रही हो, रसखान रही वही नंद के भो नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसो मति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन, भो है बनाई बनाई बिठो नहीं, डारी हमेरिन हार निहारत, वारत ज्यो पुचकारत छो नहीं। अब दूसरे समय में
कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा माता के वात्सल्य का वर्णन किया है। आज गई उगती हो रही हो, रसखान रही वही नंद के भो नहीं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज सुबह सुबह ही भोर मीन्स प्रातःकाल, आज सुबह सुबह ही मैं नंद बाबा के भवन में गई थी। वाक जियो जुग लाख करोड़ जसो मत को सुख जात कहो नहीं। वाक मीन्स उनके यानी यशोदा माता के लिए कहा गया है कि वाक जियो उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे और ऐसे पुत्र को पाकर यशोदा माता के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत सुख का अनुभव करती रहती हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन भोह बनाई बनाई डिठो नहीं। अंजन मीन्स काजल और डिठो नहीं कहा गया है, नजर का जो टीका लगाया जाता है उसको कहते हैं डिठो नहीं। अब यशोदा माता क्या करती हैं, श्री कृष्ण को तेल लगाती हैं, तेल मालिश करती हैं, उनकी आंखों में काजल लगाती हैं, भोहें बनाई भोहों को संवारती हैं और संवार कर माथे पर काला नजर का टीका भी लगाती हैं। दारी हमेलनी हार निहारत वारत ज्यो पुचकारत छो नहीं। हमेलन का अर्थ है गले में डालने वाला आभूषण, निहारत यानी निहारना प्यार से देखना, वारत यानी उत्पन्न व्यवछावर होना, पुचकारत यानी प्यार करना, छो नहीं माने अपने पुत्र को। अब यशोदा माता क्या करती हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को तेल लगाया, आंखों में काजल लगाए, भौहों को संवारा और नजर का टीका लगाया, उसके बाद गले में उन्होंने उनके आभूषण डाला और अत्यंत प्यार के साथ श्री कृष्ण के सौंदर्य को निहार रही हैं और उन पर निछावड़ जाती हैं और अपने पुत्र को बार बार प्यार से वो पुचकारती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति यशोदा माता के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। बच्चों आपको ये दोनों सवैये का व्याख्या अच्छी तरह समझ में आई होगी बच्चों, और अगर आपको समझ में ना आई हो तो कल आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं।